गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पार्ट 13 जो है के वीडियो भाग 5 में अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है बेटा, अस्थैतिक आवेशों को परिभाषित कीजिए। बच्चों, आप सभी को अस्थैतिक आवेश के बारे में पढ़ाया हूँ। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो बेटा उसमें आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कंघी को जो है अपने बाल में रगड़ते हैं बेटा, इसके बाद रगड़ने के बाद जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह कंघी जो होती है उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो बच्चों, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश या हम कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। एक पर जो है धन आवेश होता है, दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो बच्चों, उसी के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थैतिक आवेशों को परिभाषित कीजिए। बेटा, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को अस्थैतिक आवेश कहते हैं। बच्चों, अगलावत्री प्रश्न का जो प्रश्न संख्या 2 है, एबोनाइट छड़ को बिल्ली की त्वचा पर रगड़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। बच्चों, जब हम एबोनाइट की जो छड़ है अगर उससे बिल्ली की जो खाल है उस पर हम रगड़ते हैं तो बेटा एबोनाइट पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न होता है, जबकि बिल्ली की खाल पर बेटा जो है धन आवेश उत्पन्न होता है। तो यही चीज दीजिए बेटा, एबोनाइट छड़ को बिल्ली की त्वचा पर रगड़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो बेटा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपके बेटा 3 है, प्रमाण के केंद्र में उपस्थित कण का नाम बताइए। बच्चों, जब आप परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वह जो है केंद्र के बाहर होता है और केंद्र में जो है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर बेटा कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश होता है। आपको भी बताए थे बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की जो बेटा चैडविक ने खोज की। तो बच्चों, अब अगला जो प्रश्न है आपका जो है 4 तड़ित को परिभाषित कीजिए। बच्चों, आपको वीडियो भाग 2 में मैं बादलों का जो चित्र बनाकर दर्शाया था बेटा, किस प्रकार से जो है बादल जो है पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो तड़ित उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर बेटा यह क्वेश्चन आपकी बुक में पूछा गया है कि तड़ित को परिभाषित कीजिएगा। जब दो विपरीत आवेशों से आवेशित बादल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आवेश बेटा अर्थात इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से ऋण आवेशित बादलों से धन आवेशित बादलों में चला जाता है। इस प्रकार इन बादलों के बीच चिंगारी उत्पन्न होती है बेटा, जिसे हम जो है तड़ित कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको जो है लघुत्तरी प्रश्न के बारे में पढ़ाएंगे। लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है बेटा, वह परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है। तो बच्चों, परमाणु विद्युत उदासीन इसलिए होता है कि जो परमाणु है बेटा उदासीन, उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए जो है परमाणु उदासीन होता है। बच्चों, इसका उत्तर है परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है अर्थात बराबर होती है, इसलिए बेटा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला जो प्रश्न है बेटा, आपको यह प्रश्न जो है अति लघुत्तरी में भी पूछा गया था बेटा।
गया है, लेकिन फिर भी मैंने उसका उत्तर जो है लिख दिया हूँ। एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की त्वचा पर रगड़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? बच्चों, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की त्वचा पर रगड़ते हैं तो उस पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बच्चों, आपके जो दो प्रश्न बचे हुए हैं, आपका लघु उत्तर प्रश्न का तीसरा, दो वस्तुओं को रगड़ने पर उन पर समान व विपरीत आवेश उत्पन्न क्यों होता है? चौथा है बताए, एक तड़ित संवाहक इमारत को तड़ित से कैसे बचाता है? इन सभी दो प्रश्नों के बारे में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।